मंदसौर जिले की शामगढ़ वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज द्वारा 1903 स्वर्ण मंदिर मेल पर विरोध प्रदर्शन के चलते रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे निजीकरण के विरोध में स्वर्ण मंदिर मेल को रोका गया। रेलवे मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल आपको बता दें, मंदसौर जिले के शामगढ़ में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन शाखा शामगढ़ के सचिव कोमल सिंह चौहान के नेतृत्व में रेल साथियों द्वारा केंद्र सरकार के मजबूत विरोधी रवैयों और उसके इशारों पर रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे की तेजस सहित अन्य महत्वपूर्ण और दूरगामी ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन करने के विरोध में AIRF/WCREU के आह्वान पर आज 4 अक्टूबर 2019 को 1903 स्वर्ण मंदिर मेल पर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं रेल प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की गई, जिसमें स्थानीय TRD यातायात कैरिज इंजीनियरिंग एवं SNT विभाग के समस्त सम्माननीय शाखा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया, जिसमें शामगढ़ शाखा सचिव कोमल सिंह, पदाधिकारी MK मिश्रा, FM खान, आबिद हुसैन, दिलीप मीणा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम अवतार सहित कई WCREU के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसलिए आज ये समय इकट्ठा हुए हैं आप लोग। आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश के अंदर भारत सरकार की जो 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत मेल एक्सप्रेस ट्रेन का जो निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें तेजस, JC और राजधानी रूट की कई गाड़ियाँ हैं। अभी फिलहाल तो आज इनने एक रूट पर चलाने का काम किया, लखनऊ दिल्ली। आगामी जो सरकार का प्रोग्राम है वो देश के 16 रूट इनने चिन्हित किए हैं और उन 16 रूटों पर प्राइवेट पार्टियों की, निजी कंपनियों की गाड़ियां चलने का काम होगा और उसको लेके हमने आज विरोध प्रदर्शन किया पूरे देश के अंदर, मुख्यालय पे, डिवीजन मुख्यालय पे, ब्रांच मुख्यालय पे। और इन चीज़ों से, इससे सरकार की इस योजना पहल से देश में रोजगार, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्योंकि मंदसौर से BL धमानिया की रिपोर्ट।